वेलकम टू ऑसिलेट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। में मोबाइल ट्रेनर विशाल खड़तरे आप सभी लोगों का ऑसिलेट टेक्निकल इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूँ। आज हमारे पास जो स्टूडेंट है यतीन नाम है इनका, तो आज यतीन के जरिए हम मेरे पास एक मोटोरोला का डिस्प्ले आया है। डिस्प्ले ओके है बट इसका जो टच है टच ये डैमेज हो चुका है। तो आज हम डिस्प्ले से टच को कैसे अलग किया जाता है और नया जो डिस्प्ले को टच रिप्लेस किया जाता है वो प्रोसीजर आज हम सीखने वाले, वो भी स्टूडेंट के जरिए। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले यतीन जी का कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम यतीन लोहिया है, मैं इंस्टीट्यूट का एक स्टूडेंट हूँ। जैसे सर ने बताया आज का टॉपिक है रिप्लेसमेंट ऑफ टच पैड, तो जैसे सर ने बताया स्टेप बाय स्टेप हम वैसे प्रोसीजर फॉलो करते हैं और रिप्लेस करते हैं। आइए तो आज सर इसमें टेम्परेचर कैसे सेट करते हैं? जैसे कि टेम्परेचर जो है हमें पहले तो यहाँ पे सेट के बटन पे दबाना है। ओके, और इसका जो हमें मिनिमम जो टेम्परेचर चाहिए वो 100 चाहिए। कितना? 100। तो 100 पे सेट करेंगे हम, पहले सेट बटन पे जाएंगे। ओके, और यहाँ पे 100 पे सेट करेंगे। ओके, चालू हो गया 100 पे सेट, तो चालू हो गया इंस्टेंट। यस यस। ओके, उसके बाद जो है हमें जो डिस्प्ले है हाँ वो डिस्प्ले को मिनिमम, ये हमारे पास एक मोटोरोला का डिस्प्ले है, जैसे कि आप यहाँ पे चेक करें डिस्प्ले चालू है बट टच इसका डैमेज हो चुका है। तो आज हम लाइव करेंगे स्टूडेंट के जरिए प्रैक्टिकल। ओके सर, तो उसको अभी उसके ऊपर, यस, एक अगले 2 मिनट के लिए हम इस पे डिस्प्ले को सेपरेट मशीन पे रखेंगे ताकि जब ये गर्म हो जाएगा तो अंदर का जो गम है वो पिघल जाएगा। 2 मिनट के लिए? यस। ओके सर, पॉज करो। तो जैसे कि हमारे 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं यतीन। हाँ सर, 2 मिनट हो गए। अभी क्या तो अभी जैसे कि मैंने आपको कहा था कि डिस्प्ले और टच इसमें का गम जो है थोड़ा सा पिघल चुका होगा। ओके, तो ये पिघलने की वजह से आपको जो डिस्प्ले से टच अलग करने के लिए जो ज्यादा मेहनत लगती है वो कम मेहनत लगेगी और आराम से डिस्प्ले से टच अलग होगा। तो आपको इसके पहले ऑन करने के पहले वैक्यूम को ऑन करना है और उसके बाद डिस्प्ले के टच के ऊपर डिस्प्ले सेपरेटर केबल को अपने तरफ वैक्यूम ऑन होने के बाद अपने तरफ स्लोली स्लोली खींचना है। तो स्टार्ट करो। ओके, यस। तो जैसे कि यतीन, हाँ सर, तुम्हें डिस्प्ले पे प्रेशर नहीं देना है, आराम से अपनी तरफ खींचना है बट वो डाउन साइड, तुम्हारा हाथ जो रहेगा डिस्प्ले केबल ऐसा वो, हाँ ये पोजीशन, राइट राइट, और आराम से स्लो स्लो, हाँ ये करना है, लेफ्ट साइड से राइट, राइट साइड से लेफ्ट, बराबर है सर? देखिए एक बार, राइट, अभी डिस्प्ले उठा सकते हैं, चेक कीजिए। इसको क्या करूँ पहले? नहीं नहीं, वैक्यूम को ऑन ही रहने दो, डिस्प्ले को टच अलग कीजिए, मतलब उठा लो आप डिस्प्ले। ऐसे डायरेक्ट उठा लो? हाँ, उठा सकते हैं। ओके सर, जैसे कि यहाँ पे यतीन ने जो डिस्प्ले निकाला है अलग किया है, दिखा दो आप फोकस में। जैसे कि हमारा स्टूडेंट है यतीन, उन्होंने ये डिस्प्ले टच से अलग किया है जो भी अच्छी तरीके से। अभी जो है नेक्स्ट प्रोसीजर है वो इसके ऊपर का जो गम है वो यतीन निकालेंगे ताकि डिस्प्ले को दूसरा न्यू टच रिप्लेस करने के लिए हमें आसानी होगी। चल, गम निकल गया। हाँ, हो गया। यस, अभी आपको क्या करना है, कॉटन कपड़े पे है ना आईपी को लेना है और डिस्प्ले को पूरा एकदम क्लीन करना है। ओके, आईपी को लेना है आपको, आईपी को, राइट। ओके, इतना बस? अभी सर नीचे की तरफ आना है, ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ जाना, ना कि स्ट्रिप की। ऐसा? यस। हो गया? यस यस यस। पहले तो हमें ना डिस्प्ले चालू है कि नहीं फोन में कनेक्ट करके चेक करना है ना? विदाउट टच चालू हो जाएगा? यस यस, डिस्प्ले चालू। डिस्प्ले ओसे पेपर दो साइड से गम रहता है, उसको ऊपर के साइड उठाना है और उसके ऊपर टच को या फिर ग्लास को बिठाना है और हमें ओसीए मशीन में रखना है। okay. ताकि जो बबल्स आते हैं या गम, ये बबल्स जो रहते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ओके, एयर नहीं रहेगा, एयर पूरी तरीके से हट जाता है। okay. तो ऐसे ही हमारा एक डिस्प्ले से टच अलग करने के बाद जो डैमेज टच होता है रिप्लेस करने के बाद हम नया टच अप्लाई कर सकते हैं और हमारा जो डिस्प्ले का खर्चा है जहाँ पे 8,000 हो रहा है वहां पे हमारा 500 रुपए में काम बन जाता है। ज्वाइन करें एडवांस चिप लेवल मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स ऑसिलेट टेक्निकल इंस्टीट्यूट।
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मौका देता है।